काम कर रहे हैं और पूरे देश में उनकी चर्चा है कि उतने बार मोटरसाइकिल कार चले जाने ले जाने में ही आपका समय बीत जाएगा, फिर तेल आपको कहां से आएगा, उसका खर्चा कहां से आएगा, आप लोग कमजोर लोग। हमने व्यवस्था दिया जब जिला पंचायत अध्यक्ष हुए हम और रामलली, अगर रामलली नहीं पढ़ पाए हैं तो ज्ञानपुर के एक एक बेटा बेटी उसके स्कूल 500 मीटर दूर ज्यादा नहीं रखेंगे, प्राइम प्राइमरी ऊंचाई जूनियर हर बेटा बेटी और पढ़ अभी विजयलक्ष्मी जी ने कहा कि रामलली वोट मांगने जाती है तो माताएं बहनें कुछ कह देती हैं क्या मिलेगा, 18 करोड़ रुपया जो हमारे पत्रकार भाई हैं, बुजुर्ग हैं, पूज्य लोग हैं, शेष लोग माताएं बहनें पर ध्यान से एक दो ही मिनट आप सुन लीजिए, 18 करोड़ रुपया महीना वेतन आता है, तनख्वाह है आपकी बेटी बेटों को पढ़ाने में पूरे जनपद में भदोही ज्ञानपुर और 3 विधानसभाओं, 9 करोड़ रुपया से ज्यादा आता है ज्ञानपुर में और 9 करोड़ में 4.5 भदोही 4.5 और आई ये व्यवस्था हमने दी है, 12 9 108 खाना पीना मिल लीजिए तो साल भर में 125 करोड़ रुपया के लगभग आपको बेटी और पढ़ने के लिए, अगर हमने प्राइमरी बनवाया तो ये सरकार दे रही चाहे किसी की सरकार। अभी रास्ते में सोच रहे थे कि जब लड़का होता है तो आदमी सोहर गाता है कहते हैं गुड़ खा ले नहीं 10 दिन बीता तो सखाउड़े इट्ठे पहना रखा है, लेकिन आज से आप लोग जब भी बिटिया हो उसके लिए जरूर सोहर गाए और सिठौरा खिलाए, बेटे से ज्यादा बिटिया आपकी महत्वपूर्ण होगी अगर आपने पढ़ा लिखा दिया तो। वो दिन आप छोड़ दें कि हमारी तो बेटी हो गई 4 साल 6 साल बस शादी करेगी, बन्नी पानी दे दो, बन्नी खाना दे दो, बट्टू पानी दे दो, नहीं जब वो पढ़ लिख लेगी तो लड़के वाले आपके हाथ जोड़ के शादी 5-10 साल 15 साल में आए तो ये स्थान ये जगह आज का समय आप नोट कर लीजिएगा, आप चाहेंगे तो अपनी लड़की शादी हमारे यहाँ करा, आप लड़की और लड़के को पढ़ाए इसीलिए हमने स्कूल बनाया, और जो कमजोर और गरीब लोग हैं 1 से 12 तक पढ़ने के लिए हमने आश्रम पद्धत विद्यालय बनाया, एक बसपा की सरकार आई बदल दिया रया चली गई, दूसरा हमने फिर विद्यालय आपका बीरमपुर चटगुमानी में बनवाया, जितने इंटर कॉलेज हैं किसी न किसी रूप में उनको हमने कमरे बनवाए, और डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है आपके बेटी और बेटे जो इंटर पढ़ के जाते हैं बीए में वहां शौचालय से लेकर लड़कियों के कॉमन रूम से लेकर के इंटरलॉकिंग सड़क से लेकर के सोलर लाइट से लेकर के 7 लाख का भी 10 दिन पहले सोलर वाटर पंप लगा दिया ताकि आपको बेटे और बेटियों को स्वच्छ पानी मिल सके, ये हमने व्यवस्था की। अभी यहां आए थे तो आदरणीय प्रधान जी की पत्नी आई, हमने तो फीता उन्हीं से कटवाया चूंकि लक्ष्मी लड़कियों क्यों हमने कहा सोहर सछौरा जरूर बांटिए, कहीं कहीं हनुमान जी की पूजा होते जब तक 4 साल पढ़ाई होगी 1-1 हजार रुपया उनके खाते में डाल दूंगा, मां बाप लड़के चाहे लड़की आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, हम उसी खर्चा बहन करते हैं अपने वेतन से रामलली के वेतन से, ये नहीं कहने आए हैं। जात पात के लोग बहुत बोलने आएंगे, बहुत आपसे समझाने आएंगे, बहुत से लोगों ने बिंद विकास केवट समाज की अपने स्थापना कर ली, रजिस्ट्रेशन करा दिया कि हम बिंद समाज के हैं, हम केवट समाज के हैं, फलाने समाज के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन मदद कर रहे हैं तो अजय कुमार और पंडित या सुशील बंद कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा, इन लोगों ने अभी भी शादियां कराई, हमको 10-15 साल से बिंद समाज की शादियों में जाना पड़ता है, ऐसा कोई साल नहीं रहा जिस समय दुकानदारों का गल्ला कर आपके यहां से भी गेहूं गया, आपके यहां से चावल गया, दाल गया, पैसा गया, अगर यज्ञ हो रही है आहुति आप डाल दिया अगर 10 महीने डाला तो पूरे हमको मिला, कोई हमने एहसान नहीं किया, आपने विधायक बना दिया, आज बंबई में स्वागत हो चाहे सूरत में हो गुजरात में हो, विश्वास करिए मां भगवती को मैंने कहा सूरत में मां भगवती कृपा से आप लोग अभिनंदन कर रहे हैं, और यह पूरा अभिनंदन माताओं को हम ज्ञानपुर की जनता को समर्पित है उन्हीं के द्वारा, अगर यहां की जनता विधायक न बनाती अभिनंदन हमारा सूरत अभी अहमदाबाद कलकत्ता वाले करना चाहते, मैंने वहां कहा भी सूरत में और जगह नहीं बोला कि जो ST/ST है मैं इसका विरोध करता हूं, हमने कहा कि हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं
जिन्होंने 11 दोई जाति है हर जनित में, एक अनुसूचित एक सवर्ण, जितने पाल यादव बिंद लोहार कुहार नाऊ केवट धो ब्राह्मण ठाकुर बनिया तेली ये सब सवर्ण में, संजय जी ये सब सवर्ण में है। 11 लोगों को हर जनित लिख दिया यादव को, कल आपको नहीं लिख जाएगा, कल आपको नहीं लिख जाएगा और लिख जाएगा। हमने वहां पूछा अगर किसी 18-20 साल की लड़की से हानि हो रही है, बहू आई है पहली बार, अगर कहीं दो शब्द कहा सुनी हो गए, उस बेटी को अगर हर जनित में लिखा दिया गया, उस बहू को लिखा दिया गया, तो क्या आप 1-2 बीघा खेत और कमाई सारी दोगे कि नहीं दोगे? ईमानदारी साथ बता दो कि हमारी बेटी जेल में न जाए, हमारा बेटा न जाए, नौकरी लगना है, अगर हर जनित लगा तो किसी नौकरी में नहीं जा सकता। हमने कहा लगे तो लगे, इतना तो हो जाए कि हरिजन ने जो गलत लिखा है उसको दोगुनी सजा दी जाए, हम यही मांगे यहां से इस मंच से। गलत हरिजन में लिखाएगा, इससे लोगों में भय व्याप्त है। और जरा एक विधायक कल भी हम थे माननीय सांसद जी से, वीरेंद्र सिंह, हमने डीएमएसपी से कहा, उन्होंने भी सांसद जी ने साल भी किया, हरिजन का और आई का गलत है जो यादव के ऊपर लगा। अरे भाई आपसे हमसे बातचीत हुई, कहा हुई आप 11-11 लोगों को आप हरिजन लगा देंगे, ये कहां का न्याय और कहां का धर्म है? जब आप समानता सभी सरकार चाहती है, विजय भाजपा भी चाहती है, सबका विकास, सबका विकास हो, सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास, यही तो नारा है, उसमें एक कहां से आया? और एक आ गया तो जो दुरुपयोग हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे लगाने वाला हो, उसकी दुगनी खिलाफ कार्रवाई हो। आप लोग सहमत हैं? गलत तो नहीं कर रहा, ईमानदारी साथ उठाकर बता दे, गलत नहीं कर रहा, यही हमारी मांग है। अगर लग भी गया, वहां किसी ने पूछा कि आप विधायक जी ज्ञानपुर से आए हैं, हम कहा भदोही यूपी से आए हैं, बोले मंदिर बनेगा कि नहीं, हम कहा मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो बांग्लादेश पाकिस्तान में बनेगा, मंदिर बने, मंदिर मंदिर तो आस्था प्रति मंदिर बनना ही चाहिए, मंदिर भी बने, उसके साथ बेरोजगारों को रोजगार मिले, साथ सबका विकास, यही तो नारा है।